जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम्, नमो अरहंताणम्, नमो अरहंताणम्। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, बाहर की और भीतर की, बाह्य जगत की और अंतर जगत की। हम प्रायः बाह्य जगत की समस्याओं पर ध्यान देते हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। अंतर जगत की समस्याओं पर हमारा ध्यान भी कम जाता है और उन्हें सुलझाने का तरीका भी पता नहीं होता, प्रयत्न भी कम होता है। एक सिद्धांत को आप दृढ़ता के साथ अपना लें कि भीतर की समस्याओं को सुलझाए बिना बाहर की समस्याएं भी मुश्किल से सुलझती है, जटिल बन जाती है। जो व्यक्ति भीतर की समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास करता है, बाहर की बड़ी से बड़ी समस्या छोटी बन जाती है, और जो भीतर की समस्या को नहीं सुलझा पाता, छोटी समस्या उसके लिए राई पहाड़ बन जाती है। इसलिए हम भीतर की समस्याओं पर ध्यान दें। भीतर की जो समस्याएं हैं उनको संक्षेप में पहले प्राथमिक कक्षा में जानने का प्रयत्न करें तो दो तीन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक प्रमाद की समस्या, एक कषाय यानी संवेग आवेश की समस्या, और एक चंचलता की समस्या। ये बहुत बड़ी तीन समस्याएं बहुत बड़ी है। आदमी में कषाय बहुत प्रबल होता है, संवेग बहुत प्रबल होते हैं, और उन संवेगों के कारण धर्म कर्म दोनों भी मलिन जैसे बन जाते हैं। धर्म की बात भी बहुत करता है और कषाय प्रबल है, क्रोध प्रबल, अहंकार प्रबल, छल कपट और लोभ प्रबल, काम वासना भी प्रबल, तो फिर धर्म की बात नहीं चलती और कुछ हो जाता। बहुत आवश्यक है कषाय को कैसे उपशांत करें, संवेगों को कैसे नियंत्रित करें, संवेग संतुलन। जो व्यक्ति संवेग संतुलन का जीवन जीता है वह अच्छा व्यक्तित्व होता है। जिसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं, संवेग संतुलित नहीं, वह अच्छा नहीं होता। एक क्षण में कुछ हो जाता है, भरोसा नहीं। लोग कहते हैं इसका भरोसा नहीं, अभी तो राजी है, एक क्षण में भयंकर तूफान आ जाएगा। किसी ने जाकर नाम पूछा कि आपका नाम? कशीतल नाथ। फिर दूसरी बार पूछ लिया कि आपका नाम? अभी तो बताया, पता नहीं, भूल गया। अभी एकदम आंख निकाल कर आवेश में बोलने लग गया। तीसरी बार पूछा तो लट्ठी उठा ली कि मूर्ख कहीं का बार बार मुझे तंग करता है। संवेग का संतुलन नहीं होता
तो आदमी बदलता रहता है, पता नहीं लगता कि वह कैसा क्या करेगा। प्रमाद की भी समस्या है कि हम ठीक अपना नियोजन करना नहीं जानते, जो समय का नियोजन होना चाहिए। और आज का जमाना नियोजन का, मैनेजमेंट का जमाना, हर चीज़ में मैनेजमेंट का प्रयोग होता है, किंतु जिसका मन प्रमाद से ग्रस्त है, प्रमादी है, वह समय का नियोजन नहीं कर सकता। संकल्प तो करता है 4 बजे उठूंगा, है उठता है 10 बजे, नियोजन नहीं कर पाता। और जो प्रमादी होता है वह अपने प्रमाद की सिद्धि के लिए तर्क भी प्रस्तुत कर देता है। कोई विद्यार्थी था और बड़ी कक्षा में आगे पढ़ रहा था, एकदम छोटा नहीं था, आलसी प्रमादी बहुत था, प्रमाद में पड़ा ही रहता, जागरूक नहीं था। तो माँ ने कहा, बेटा देखो सूरज कितना चढ़ गया, अब तो उठो। बोला, माँ क्या बात कहती हो तुम, सूरज के साथ मेरी तुलना करती हो, सूरज तो कभी सो जाता है और मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। तर्क भी वैसे ही हो जाते हैं प्रमाद को सिद्ध करने के लिए। तो प्रमाद बहुत बड़ी बाधा है, कसाय बहुत बड़ी बाधा, प्रमाद बाधा, और इन दोनों को प्रवाहित करने वाली बाधा है मन की चंचलता, हमारी एकाग्रता नहीं है। प्रमाद और कसाय, प्रमाद और आवेश संवेग, इन दोनों के लिए वाहन बनती है चंचलता, जो इनको बाहर तक ले जाती है और आदमी को असफल बनाती है, दुखी बनाती है, अशांत बनाती है। सब कुछ होते हुए भी आदमी अशांत हो जाता है। हम इन बाधाओं को कैसे पार कर सके? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा मन की चंचलता को कम किया जा सकता है, एकाग्रता को साधा जा सकता है, जागरूकता भी बढ़ सकती है, प्रमाद कम हो सकता है और कसाय भी उपशांत हो सकता है। हमने ऐसे सैकड़ों सैकड़ों, हजारों भी हो सकते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को देखा कि जो भयंकर क्रोध था, भयंकर लोभ और अहंकार था, किंतु ध्यान के प्रयोग के बाद उनका क्रोध शांत हो गया। और ऐसा हुआ कि शायद घर पर गए तो पत्नी को भी आश्चर्य हुआ और सोचा कि यह वही व्यक्ति है, कोई दूसरा आ गया। शायद रामायण का प्रसंग सामने आ गया होगा कि क्या बात है, पतिदेव आ गए, रवि तो गुस्सा नहीं किया, ये तो आश्चर्य की बात है। पर शांत हो सकता है, ये कसाय शांत हो सकते हैं, किंतु केवल पढ़ने से जानने से नहीं, प्रयोग के द्वारा। हम प्रयोग के द्वारा जो उत्तेजना के हमारे शरीर में केंद्र हैं और उत्तेजना को पैदा करने वाली हमारी आंतरिक परिस्थितियां हैं, आज की विज्ञान की भाषा में तो ग्रंथि तंत्र कहें, अंतस्रावी ग्रंथि तंत्र आदि आदि, जो हमारी आंतरिक परिस्थितियां हैं और हमारे भीतर के जो जैव रसायन हैं उनको प्रभावित करें, परिष्कृत करें, तभी ये परिवर्तन हो सकता है, केवल पढ़ने से नहीं। इसीलिए ध्यान के द्वारा इन सब का परिष्कार होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए ध्यान एक ऐसी साधना है जिसका मूल्यांकन जैन आचार्यों ने इस भाषा में किया कि 2 दिन का उपवास, बेले की तपस्या और 5 लव का ध्यान, यानी 2.5 मिनट का ध्यान, उसको एक व्यवहारिक तुलना करें कि कितना लाभ होता है। तो बेले की तपस्या, 2 दिन का उपवास, 2.5 मिनट का ध्यान, मैं मंत्र ये भी छोटा है, ध्यान का लाभ तो इतना है कि शायद बेले की तपस्या से भी तोला नहीं जा सकता, फिर भी एक अनुमान किया है, तो इतना बड़ा लाभ होता है। क्योंकि ध्यान हमारी इतनी आत्मा की पवित्र अवस्था है कि हम सहज आत्मा तक पहुंच जाती है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है और हमारे पास बहुत आते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, तो हमारा तो उत्तर होता है
पहले शरीर का साक्षात्कार करो, फिर आत्मा की बात करना, फिर परमात्मा की बात करना। जब तक तुम शरीर के भीतर विद्यमान रहस्यों को, शक्तियों को, नियमों को नहीं जानते, तब तक आत्मा परमात्मा की बात कोई वाचिक बात है, वांग्मय शब्दों का व्यापार है, होता कुछ भी नहीं है। इसलिए हम शब्दों से ऊपर उठकर, मन से भी ऊपर उठकर और अपनी आत्मानुभूति के द्वारा इस सच्चाई को जानने का प्रयत्न करें। आज शिविर शुरू हो रहा है, आप लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे। उससे पहले ध्यान की दीक्षा जरूरी है। जब तक ध्यान की दीक्षा से दीक्षित मन नहीं होगा, तब तक ध्यान अच्छा नहीं हो सकेगा। तो अब प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा, पहले उपसंपदा उसकी प्रेक्षा ध्यान की, उसको ठीक समझ लें, उसका प्रतिदिन पारायण करें, तो आपको ध्यान के विकास में बड़ी सुविधा होगी। तो अब उस प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा के लिए आप तैयारी करें। शिविरार्थी वे खड़े खड़े कर लें, शिविरार्थी हैं वो खड़े खड़े करें। हाँ, मैं बोलूं फिर आप उसका उच्चारण करेंगे। अभ्युत्थयोमि आराहणाय, अभ्युत्थयोमि, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मग्गं उपसंपज्जामि, मैं अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करता हूँ। सम्मत्तं उपसंपज्जामि, मैं अंतरदर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। संयमं उपसंपज्जामि, संयमं उपसंपज्जामि, मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। बस ये चार संकल्प हैं, चार इस प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा के चार सूत्र हैं। उपस्थित होना, अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करना और अंतरदर्शन का लक्ष्य बनाना और आध्यात्मिक अनुभव करना, ये चार हैं। इनके आधार पर आप ध्यान का विकास कर सकते हैं, बाह्य दर्शन का विकास नहीं। इसके इसलिए आंख बंद करनी होती है, प्रारंभ में अभ्यास नहीं होता तो आंख बंद करते हैं। किस लिए? कभी बाहर का दर्शन एक बार न हो, अंतर का दर्शन हो, अनुभव करते हैं। अनुभव तो सब करते हैं, रोटी खाता हुआ भी अनुभव करता है, मिठाई खाता है मिठास का अनुभव करता है, नमक का अनुभव करता है, किंतु अंतर दर्शन का अनुभव यानी आध्यात्मिक अनुभव, यानी मेरे भीतर क्या क्या है, अपने भीतर क्या है, इसका अनुभव करना। क्यों? भीतर में बहुत सारी शक्तियां हैं। इस शरीर के भीतर हमारा ज्ञान है, दर्शन है, शक्ति है, आनंद है, सब शरीर के भीतर है। उसका भीतर का अनुभव करना, बाह्य का अनुभव तो बहुत होता है। और मार्ग का चुनाव करना, वह मार्ग जो हमें अध्यात्म की दिशा में ले जाए, इसीलिए मौन भी आवश्यक है और भी आवश्यक, क्योंकि वह अध्यात्म की दिशा में ले जाए, भीतर की दिशा में ले जाए। तो ये चार सूत्र हैं। अब इनके जो उपसंपदा के पांच संकल्प सूत्र हैं, बैठे बैठे के लिए बस, हाँ, अब आप सुन सकते हैं नीचे। सबसे पहले एक सच्चाई को समझें कि 24 घंटा कोई आदमी कालबद्ध ध्यान नहीं कर सकता। एक कालबद्ध होता है, एक समय के लिए किया, 24 घंटा वह हो नहीं सकता। सब काम गृहस्थ करता है, साधु भी करता है, खाता है पीता है, सब काम होते हैं,
तो ध्यान कैसी होगा वे? एक होता है समयबद्ध ध्यान, एक होता है समय निरपेक्ष ध्यान, जो समय से प्रतिबद्ध नहीं है, और वह ध्यान है भावक क्रिया। प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है भावक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य क्रिया, एक भावक क्रिया। द्रव्य क्रिया वह है कि आदमी शरीर से तो काम करता है और मन कहीं भटकता रहता है, वह हमारी द्रव्य क्रिया है। चाहे माला फेरो, सामायिक करो, गायत्री का मंत्र जपो, नौकार मंत्र का जप करो, कोई भी कुछ करो, शरीर तो क्रिया कर रहा है, मन कहीं चक्कर लगा रहा है, वह होती है द्रव्य क्रिया। भावक क्रिया वह है कि हमारा शरीर और मन एक साथ काम करे, जो लक्ष्य बनाया उसके साथ शरीर भी जुड़ा रहे और मन भी जुड़ा रहे, वह हमारी भावक क्रिया। आप उदाहरण ले लें कि शिविरार्थी भी भोजन करेंगे, घर में भी भोजन करते हैं, भोजन करते समय मैं भोजन कर रहा हूँ इसके सिवाय कोई विचार न आए तो भोजन करना भावक क्रिया हो जाएगा। अरे भोजन तो करता है, मन कहीं चक्कर लगा रहा है, पता ही नहीं लगता, तो वह द्रव्य क्रिया होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, होते हैं, वर्तमान में भी होते हैं कि भोजन कर लिया, घंटा भर बीत गया, मुनीम जी आए और पूछा, मुनीम जी आज मैंने भोजन किया कि नहीं, रोटी खाई कि नहीं खाई, क्यों वह द्रव्य क्रिया में याद नहीं रहता, फिर कुछ भी पता नहीं लगता। तो द्रव्य क्रिया से जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, चाहे कोई धर्म की क्रिया करो, अगर आप द्रव्य क्रिया कर रहे हैं तो धर्म से मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता। भावक क्रिया, भावक क्रिया में जानते हुए करना, आहार योग बन सकता है जानते हुए खाएं, चलना योग बन सकता है, गमन योग का प्रयोग कराया जाता है कि जानते हुए चले, तो यह है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अभ्यास, ये 24 घंटा का ध्यान है, निरंतर ध्यान अगर अभ्यास हो जाए तो आदमी जो भी काम करे ये अनुभव रहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा प्रयोग है भावक क्रिया का। तो भावक क्रिया को हम एक तो ये समझें कि जानते हुए करना, दूसरा वर्तमान में जीने का अभ्यास है भावक क्रिया, वर्तमान में जीना। हम लोग बहुत कम वर्तमान में जीते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा समय ज़्यादा या तो अतीत में बीतता है या भविष्य में बीतता है, अतीत की स्मृतियों में आदमी चला जाता है या भविष्य की कल्पनाओं में चला जाता है, किंतु वर्तमान का क्षण बहुत छोटा है, बहुत कम आदमी जीते हैं। तो वर्तमान में जीने का अभ्यास, यह हमारी भावक क्रिया। पहला सूत्र है जानते हुए करना, दूसरा भावक क्रिया का सूत्र है वर्तमान में जीने का अभ्यास, और तीसरा इसका सूत्र है सतत जागरूकता, अप्रमाद अप्रमत्तावस्था, जागरूक रहना। जो आदमी जागरूक होता है वह बहुत सफल होता है। एक प्राकृत में कहा गया है जागर मानस बद्धये बुद्धि, जो जागृत है उसकी बुद्धि का विकास होता है, जो जागृत नहीं है सोया रहता है उसका विकास नहीं हो सकता। तो भावक क्रिया के 3 सूत्र हो गए, ये अभ्यास जरूरी है। जिस समय ध्यान का प्रयोग चले, ध्यान का करें, खाली रहे, तब भावक क्रिया का अभ्यास करें। इसका दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। यदि प्रतिक्रिया विरति का अभ्यास हो जाए तो हम बहुत ज्यादा आनंद का जीवन जी सकते हैं। हमारे आनंद में, हमारी सुखानुभूति में, हमारे सुख संवेदन में सबसे ज्यादा कोई विघ्न डालने वाला, बाधा डालने वाला तत्व है तो वह है प्रतिक्रिया। अगर ध्यान का अभ्यास करें तो इसमें जागरूक रहना है कि प्रतिक्रिया न हो, हर बात को मैं सुन सकूं, मनन कर सकूं, चिंतन कर सकूं, पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया न करूं। प्रतिक्रिया विरति का अभ्यास।
इसका तीसरा सूत्र है मैत्री भाव, मैत्री भावना का विकास, सबके साथ मैत्री। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा है कि मिट्टी में सब भूयेशु बेरंग मज्जन केणई, वे अपना काम न कर सके और ज़्यादा खाते हैं पूरा पछता नहीं, तब उनको मौका मिलता है और वे फ्री रेडिकल फिर हमारे शरीर में स्थितियाँ जटिल बनाते हैं। इसलिए परिमित भोजन, और ये आप निश्चित माने, अगर आपको बीमार नहीं होना है, जल्दी बूढ़ा नहीं बनना है, और बूढ़े का मतलब शक्तिहीन नहीं बनना है, और अच्छी तरह काम करना है, दिमाग को स्वस्थ रखना है, तो उसका सबसे उत्तम सूत्र है परिमित भोजन। परिमित भोजन, और परिमित की भाषा भी आयुर्वेद में बहुत सुंदर मिलती है। परिमित किसको माने हम? सबकी भूख समान नहीं होती, कोई चार रोटी खाता है, कोई दो खाता है, कोई एक ही खाता है, तो परिमित किसको माने? कि जिस व्यक्ति की जितनी भूख है उसको चार भाग में कर लें, दो भाग खाएं, जैन भाषा में जिस कहते हैं ऊनो दरी, दो भाग खाएं और दो भाग खाली रखें। खाली किस लिए? कि खाने के बाद हवा बनेगी, वायु बनेगी, तो पेट फूलेगा, और खाने के बाद पानी पिएंगे तब भी होगा, तो दो भाग हवा और पानी के लिए खाली छोड़ दें और दो भाग खाएं, आधा खाएं, वह है परिमित भोजन। कुछ ऐसे लोग होते हैं खाते समय पूरा पेट भर कर खा लेते हैं, जब बढ़िया भोजन होता है तब तो डबल ट्रबल का पता ही नहीं लगता, इतना ज़्यादा खा लेते हैं। और ये जब होते हैं विवाह शादी भोज आदि के प्रसंग, उस समय तो साहित्य को ही ध्यान रहे कि कितना खाना चाहिए। एक सास ने अपनी नव विवाहित बहू से कहा कि बेटा ध्यान दे लो, तुम्हारा ससुर आज भोजन करने गया है, और वापस आएगा फिर खड़ा नहीं रह सकेगा, पहले ही खाट को बिछा कर तैयार रखो। तो वो बोली, सास आपके ऐसा होता है क्या? हमारे तो और कुछ होता है क्या, कि हमारे घर के लोग तो भोजन करने जाते हैं पैदल, और वापस खाट पर ही उनको लाया जाता है, तो इतना खा लेते हैं आदमी। तो वह अपरिमित भोजन बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। मैं तो बहुत बार ये सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि अगर अपरिमित भोजन ज़्यादा भोजन न करे तो बेचारे डॉक्टर क्या करेंगे, ये बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियाँ क्या करेंगी, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर क्या करेंगे फिर। किसी ने ठीक लिखा, एक अच्छा व्यंग है, बड़ा काम का व्यंग है वे, कि तुम अगर बीमार हो जाओ तो डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि डॉक्टर भी बेचारा जिंदा रहे, और डॉक्टर जो दवा बताए तो खरीदो, क्योंकि बेचारा केमिस्ट भी जिंदा रहे, तुम दवा लाओ लो मत, क्योंकि तुम भी जिंदा रहो। तो ये परिमित भोजन, एक बात भी समझ में आ जाए तो शायद स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखा जा सकता है। तो ध्यान के साथ जुड़ी हुई बात है मित भोजन, और पांचवा सूत्र है मित भाषण, हम ज़्यादा न बोलें। ध्यान काल में तो अधिकांश मौन रहें, अनावश्यक बिल्कुल न बोलें, जो आवश्यक हो, शरीर की आवश्यकता है कोई बात आवश्यक बताना, इतनी कोई बातचीत नहीं, न समाचार पत्र पढ़ें, न रेडियो सुने, न टीवी देखें, कुछ भी नहीं, केवल एकाग्रता रहे, बस जब भी मौका मिले श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करें और कुछ न करें, बातें भी न करें। जो युवक परस्पर मिल गए, भाइयाँ मिल गई, बातें शुरू कर दी, यह भी बिल्कुल नहीं। प्राय मौन एक अच्छा शब्द है, जिस जो भगवान महावीर के जीवन के प्रसंग में आता है कि भगवान महावीर मौन करते थे, केवल मौन यह नहीं है, बड़ा अच्छा शब्द है, प्राय मौन करते थे, आवश्यकता बस बोलते थे, प्राय मौन। हम भी इसको अपना ले, प्राय मौन। अब कोई आवश्यक है किसी को भोजन के बारे में, एक स्थान के बारे में, जीवन की आवश्यकता के बारे में कहना है तो बोल कर कर दे, वह मौन ऐसा नहीं कि मौन तो कर ले और हूँ इतना करे कि सारी शक्ति खर्च हो जाए,
यह भी अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को देखते मौन करते हैं और इतना ज़्यादा हूँ हूँ इशारा करते हैं कि बेचारी शरीर की शक्ति और क्षीण हो जाती। बस आवश्यकता है वह शब्द कह दिया, मौन कर ली, फिर बातचीत नहीं। तो यह मित भाषण, ये पांच सूत्र हैं। भावक क्रिया, फिर याद कर ले, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित आहार और मित भाषण, इनका अभ्यास करें तो आपकी ध्यान की साधना बहुत अच्छी होगी और ध्यान के द्वारा जो आपको आनंद का अनुभव होना चाहिए वह होता रहेगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे